बूंदी के जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए नर्सिंग कर्मियों व संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कई वर्षों से संविदा कर्मी लैब टेक्नीशियन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। मृतक दिलीप पंचोली की कोरोना संक्रमित होने के बाद 2 सितम्बर को दोपहर की ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत बिगड़ी और उसे तुरंत चिकित्सकों को दिखाया गया और उन्हें मेडिकल ICU वार्ड में भर्ती करवाया गया, परंतु राहत नहीं मिली। ऐसे में उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग कर्मचारियों व संविदा कर्मचारियों ने मिलकर परिवार को आर्थिक मुआवजा 50 लाख दिलाने की मांग करते हुए उसकी पत्नी को सामान्य चिकित्सालय में संविदा के पद पर नियुक्त करने की मांग की। बड़ी पीड़ा का विषय है कि पिछले 15 वर्षों से ये संविदा के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने कई बार कोविड संक्रमण का काम किया, सैंपलिंग का कार्य किया और कोविड ड्यूटी के दौरान ये कोरोना से संक्रमित हो गए। अचानक इन्हें ड्यूटी के दौरान चक्कर आए, इनके सहयोगियों ने इनके यहाँ मेडिकल ICU में भर्ती करवाया। उसके बाद हम लोग इन्हें लेकर कोटा पहुँचे, वहाँ MBS में इनका इलाज चला। उसके बाद दुखद रूप से ये समाचार हमारे सामने आया कि हमारे साथी भाई दिलीप शर्मा की COVID-19 से कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके मुआवजे के रूप में सरकार उसे 50 लाख देगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे साथी को न्याय मिले, उसे 50 लाख मिले और उसकी पत्नी को संविदा के रूप में जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार उसको सामान्य चिकित्सालय बूंदी में नियुक्ति जाए।